नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बड़ी खबरें। श्रीलंका आर्थिक संकट से जल रहा है, वहां रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 80% तक गिर गई है। श्रीलंका में मार्च के महीने में एक डॉलर की कीमत 201 रुपए थी, जो अब 360 रुपए पहुंच गई है। महंगाई की 10-17% को पार कर गई। ये आंकड़ा पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। हालात ऐसे हैं कि देश को कई बार संकट से उबारने वाले महिंदा राजपक्षा भी देश को बचा नहीं पाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ राजनीतिक विचार विमर्श के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ की ये निजी यात्रा है, ये जानकारी सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने शेयर की है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव गर्मा गया है। यहाँ मंगलवार की रात पैसों के लेन देन को लेकर 22 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई। इससे लोगों में नाराजगी है, जिसके चलते हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने बंद बुलाया है। तनाव के कारण पुलिस ने दो नाबालिग समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है और 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया। भाजपा राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बूथ मैनेजमेंट की तैयारियों में अभी से जुट गई है। इसके चलते भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा 11 मई को हनुमानगढ़ और गंगानगर का दौरा करेंगे। BJP यहां अपने 52,000 बूथों को सक्रिय कर रही है। यहां करीब 11 लाख कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज तैयार की गई है। ये फौज चुनाव में पार्टी को वोट दिलाएगी। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय पिछले साल जून में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी से उन्हें आयोग्य घोषित करने की मांग की थी, जिसे विमान बनर्जी ने ठुकरा दिया था। इस पर शुभेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे अनिल शर्मा ने इसकी जानकारी दी। सुखराम को ब्रेन स्ट्रोक के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। IPL के 15वें सीजन का 58वां मुकाबला राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा। ये मैच बुधवार शाम 7:30 बजे से मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में होगा। टॉस 7 बजे होगा। आज के मुकाबले में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल राजस्थान रॉयल से अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहेगी। हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। उधर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान आसानी की वजह से तेज बारिश होगी। ओडिशा में तूफान आसानी का असर दिखने लगा है। यहां हवाएं तेज चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के राजकोट में रैली करेंगे। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए BJP, कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में है। ये भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देगी। दक्षिणी दिल्ली MCD की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। आज मेहरचंद मार्केट, लोधी रोड, JLN मेट्रो स्टेशन के आसपास बुलडोजर चलेगा। उधर बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ वाम दलों का संयुक्त विरोध मोर्चा आज सुबह 11 बजे निकलेगा। इससे पहले दिल्ली में मंगलवार को मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड कॉलोनी में निगम का बुलडोजर चला था। उत्तर प्रदेश की ज्ञान बाबी मस्जिद को लेकर हुए सर्वे से बुधवार को सस्पेंस खत्म हो सकता है। बुधवार को वाराणसी की जिला अदालत में सर्वे को लेकर सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि कोर्ट आज इस पर कोई ना कोई आदेश दे देगा। अदालत में सुनवाई 2 बजे के आसपास शुरू होगी। करोड़ों रुपए की खान झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंगल से मंगलवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। उन्होंने ED के सवालों का सामना किया। पूजा सिंगल पर खूंटी में मनरेगा की राशि में कथित रूप से हेराफेरी करने के आरोप हैं। इन आरोपों की जांच के सिलसिले में वो अपने पति के साथ ED के सामने पेश हुई थी।